किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी के भड़कावे में आने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग भड़का रहे जाकर के, यही व्यवस्था है। सीवान सांसद पति और जदयू नेता अजय सिंह ने बिहार यूपी के बॉर्डर मेहरौना पोस्ट और प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्वारंटाइन लोगों से बातचीत कर उनको कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया तथा सोशल डिस्टेंस बनाने की भी अपील की। उन्होंने वहां पर क्वारंटाइन किए गए लोगों के भोजन की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था सहित अन्य कई चीजों पर जानकारी ली तथा आवश्यक सुझाव भी दिया। सेंटर पर रह रहे प्रवासियों से बातचीत भी किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उन्हें तत्काल अवगत कराया जाए। वहीं अजय सिंह ने ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्वारंटाइन सेंटर में सभी व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश वहीं पर दिया। सुनिए अजय सिंह ने और क्या कुछ कहा। हम लोग आज आए हैं अपने बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। सिवान जिला है हमारा, हम लोग के संसदीय क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश से लोग आने वाले जो लोग हैं अपने बॉर्डर पर पार करते हैं मेहरौना बॉर्डर पर, इन लोगों की व्यवस्था देखने आए हैं कि क्या यहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर से बसें मिल रही है। आज ये व्यवस्था अपने सरकार बिहार सरकार का व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, कि जो लोग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से पार कर रहे हैं सिवान जिला में, यहाँ सिवान जिला की प्रशासन अपने तरफ से बस की व्यवस्था की है। जो जिस जिला के है उसको क्वारंटाइन सेंटर पर चेक करके और उस जिला में भेज दिया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था है। ये सब लोगों को रिसीव करके क्वारंटाइन सेंटर में भोजन करा करके वहाँ से बसें उपलब्ध करा करके उनके अपने गृह जिला में भेजा जा रहा है। ये सरकार की बहुत अच्छी सराहनीय कदम है, उसी को हम लोग मॉनिटरिंग करने आए हैं, देखने आए हैं और हमारे साथ सभी लोग उपस्थित हैं और उसी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आए हैं। और बारी बारी से हमने आज निर्देश दिया है अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि यहाँ एक कैंप लगाएं, जो लोग उधर से आ रहे हैं उन लोगों की पानी की व्यवस्था, कुछ नाश्ते की व्यवस्था किया जाए। जो यहाँ से जो लोग दूसरे जिला को जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से जो लोग एंट्री कर रहे हैं बिहार में, ऐसा कोई शिकायत नहीं मिला है। जहाँ शिकायत मिलता है तुरंत वहाँ की व्यवस्था कराई जाती है और जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर पर जो नए लोग आ रहे हैं उन्हीं में थोड़ा सा विलम्ब होती है उनको व्यवस्था करने में। जो पहले से लोग हैं उनकी सारी व्यवस्था की गई है और जो लोग नए आते हैं उनकी भी सारी व्यवस्था किया जा रहा है। थोड़ा सा एक आध घंटा विलम्ब होता है, उसी में थोड़ी सी आवाज़ आती है, तो एक आध घंटा तो विलम्ब हो ही सकता है। घर तो है नहीं, इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े लोगों की व्यवस्था करनी है तो थोड़ी सी एक आध घंटा आगे पीछे हो सकता है। धैर्य बनाए लोग, जो लोग आ रहे हैं वो धैर्य बनाए, सारी व्यवस्थाएँ सरकार कर रही है और सामाजिक स्तर से भी, पंचायत स्तर पर सभी मुखिया जी लोग कर रहे हैं और सभी सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई है सब व्यवस्था करने में। ये विपत्ति काल है, विपत्ति काल में धैर्य बनाना चाहिए, सभी लोग धैर्य बना करके रहें। ये विपत्ति सबके लिए है और इसमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी के भड़कावे में आने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग भड़का रहे हैं जा करके, यही व्यवस्था है। तो बताइए, दुख का जो होता है, कष्ट जो होता है, विपत्ति जो होती है, उसमें 5-स्टार होटल का व्यवस्था तो होगा नहीं। जो सरकारें व्यवस्था कर रही हैं उसी में अब काम चलानी है हम लोगों को और थोड़ा सा धैर्य बनाना है। ये विपत्ति है, धैर्य बनाएंगे तभी विपत्ति कट सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 N3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।